विलुप्त हो रही भेड़ियों की प्रजाति को लेकर एक राहत देने वाली खबर आई है। एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत इंदौर प्राणी संग्रहालय में भेड़ियों ने 9 बच्चों को जन्म दिया है। इसके साथ ही इंदौर में भेड़ियों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा यानी कि 20 हो गई है। देश भर में कुल 50 भेड़िए जू में है, इसमें इंदौर में सबसे ज्यादा भेड़िए हैं। इसके अलावा मैसूर, हैदराबाद, जयपुर में भी भेड़िए हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जू इंदौर ने एक नर और एक मादा भेड़िए को बिरसा जैविक उद्यान पहुंचाया है। भेड़ियों के बदले में जू से एक नर व एक मादा शुतुरमुर्ग कमला नेहरू जू भेजा गया है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि सभी स्वस्थ हैं। इसी तरह का ब्रीडिंग प्रोग्राम काफी जरूरी है क्योंकि इससे विलुप्त हो रही प्रजाति कहीं ना कहीं बच सकती है। हमारे यहाँ पहले 11 बड़े भेड़िए थे, हमने खाने से लेकर अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं इनके शरीर के अनुसार ही दी हैं। डॉक्टर यादव के अनुसार दर्शकों के लिए जू में 11 लायन और 6 बंगाल टाइगर भी हैं। इंदौर जू में कुछ 643 प्रकार के एनिमल हैं। नए मेहमान आए हैं जू में, वोल्फ की क्या संख्या होगा और कितने नए मेहमान आए हैं? देखिए, वोल्फ में काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग है और लगातार प्रतिवर्ष उसमें ब्रीडिंग हो रहा है। जो अभी हमारे पास नंबर्स करीब 11 के आसपास है, अब वो 9 बच्चों का अभी बर्थ हुआ 5 दिन पहले, जो बहुत ही अच्छी खबर है। ये चूँकि एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये और हाईली इंस्टिंक्ट हो की कगार पर है ये, और इनका ब्रीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इनका ब्रीडिंग नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जू का एक मोटो भी होता है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो हम लोग निश्चित रूप से उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। जिस तरह का हम लोगों ने इनको इनका एनरिशमेंट और इनकी व्यवस्थाएँ, इनकी जो फूड डाइट और जो प्रॉपर बैलेंस डाइट देते हैं, उसी की रिजल्ट है कि लगातार इनकी नंबर्स में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। और एक अच्छी सुखद खबर है कि 9 बच्चों का बर्थ हुआ, जो अपने आप में एक अनोखी घटना है और निश्चित रूप से दूसरे जू को भी देने एक्सचेंज प्रोग्राम में नए एनिमल्स को लाने के लिए इनका काफ़ी उपयोग किया जाएगा। सभी स्वस्थ है सर? अभी कर्मचारी गए थे, सभी स्वस्थ है और किस कंडीशन में? निश्चित रूप से कुछ फीमेल के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, आपस में इनफाइटिंग की वजह से इंजर्ड हो गई थी वो, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने उसको रेस्क्यू करना चाहा। क्योंकि बच्चे हैं इसलिए उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, इसलिए हमारे कीपर्स भी जो गए थे अंदर वो बाहर आ गए हैं, और अगर उनको डिस्टर्ब किए हम लोग बाहर से मेडिकेशन उनका करेंगे और उम्मीद है सारी चीज़ें ट्रैक पे रहेगी। द रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।